चिल्ड्रंस, अभी तक हमने पढ़ा पार्ट्स ऑफ बॉडीज के थीम्स, अब हम इसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। आवर फाइव मेजर सेंस ऑर्गन्स, हमारे जो बड़े फाइव मेजर सेंस ऑर्गन्स हैं, दे आर आइज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग, यानी आँख, कान, नाक और स्किन और जी। दे हेल्प अस टू नो वट इज़ गोइंग ऑन अराउंड अस, ये हमें हर चीज़ में हेल्प करते हैं कि हमारे आसपास में क्या चल रहा है, कैसे हम खा रहे पी रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, सब चीज़ें हमें हमारे ऑर्गन्स बताते हैं। आइज, ईयर्स, टंग, नोज एंड स्किन आर अवर सेंस ऑर्गन्स, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, ये हमें हर चीज़ का फील करवाते हैं। विच हेल्प अस टू सी, जैसे देखने का, हियर, सुनने का, टेस्ट, स्वाद लेने का, स्मेल, गंध लेने का कि हमें कैसे स्मेल आ रही है, एंड फील और महसूस करने का यानी छूने का कि हमें कैसे किसने छुआ, ठीक है। थिंग्स अराउंड अस, ये सब चीज़ें हमारे बताते हैं हमारे ऑर्गन्स। अ गर्ल लिसनिंग द म्यूजिक यूजिंग अ मोबाइल फ़ोन, जैसे ये लड़की क्या सुन रही है, म्यूजिक सुन रही है यानी हियरिंग कर रही है मोबाइल फ़ोन। अ बॉय वॉचिंग द टीवी, जैसे हमारी आइज क्या काम कर रहे हैं, टीवी देखने का काम कर रहे हैं। अ बॉय टचेज द टॉवल, अब हमें एहसास करा रहा है, स्किन एहसास करा रहा है कि हम किसे छू रहे हैं। अ गर्ल ईटिंग अ मैंगो, जैसे अब एक लड़की मैंगो टेस्ट कर रही है, स्वाद का पता लगा रही है कि कैसे स्वाद आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हमने एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे आइज के बारे में। आवर आइज आर द ऑर्गन्स विच हेल्प अस टू सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड अस, हमारी आइज एक ऑर्गन है जो कि उसकी सहायता से हम अपना सुंदर संसार देख सकते हैं। आई लेसेज, लेंस, रेटिना एंड पल्पिट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आइज, आई लेसेज और लेंस, रेटिना एंड पल्पिट आर द डिफरेंट, हमारे आँखों के कई पार्ट्स हैं। सम पीपल कैन नॉट सी थिंग्स प्रॉपरली, कुछ लोग प्रॉपरली देख नहीं पाते हैं। इफ़ एनी पार्ट ऑफ द आइज डजन नो वर्क प्रॉपरली, क्योंकि उनकी आइज के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं। देयर विल बी सम प्रॉब्लम्स विद द आई साइड, यानी उनकी कुछ प्रॉब्लम्स है आई साइड में, आँखों में कुछ प्रॉब्लम है उनके। सम पीपल कैन नॉट सी थिंग्स, कुछ लोग नहीं देख पाते हैं, डेट आर इन द सम प्रॉब्लम्स, कुछ कारण की वजह से वो नहीं देख पाते हैं तो उसे आई साइड कहते हैं। सम पीपल कैन नॉट सी थिंग्स डेट इन द डिस्टेंस दे आर शॉर्ट साइटनेस, वो अपना डिस्टेंस, अपनी दूरी को नहीं देख पाते हैं, उनको हम शॉर्ट साइटनेस कहते हैं। द पीपल वो कैन नॉट सी थिंग्स, जो लोग हैं जिनको हम जिनको दिखाई नहीं देता है, विच आर नियर बाई द शॉर्ट लॉन्ग डिस्टेंस लॉन्ग साइटनेस, जो कि हमारे पास की चीज़ों को भी वो नहीं देख पाते हैं, उनको लॉन्ग साइटनेस कहते हैं। दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाई द वेयरिंग स्पेक्टर्स, उनको इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए स्पेक्टर्स यानी चश्मे पहनने पड़ते हैं। अब हम ईयर्स के बारे में पढ़ेंगे। अवर ईयर्स हेल्प अस टू हियर द रिकॉग्नाइज डिफरेंट साउंड्स, हमारी ईयर्स हमारी सहायता करते हैं सुनने के लिए, आवाज़ को पहचानने के लिए और उसके डिफरेंट साउंड, अलग अलग प्रकार की आवाज़ों को पहचानने की कोशिश करते हैं। वी इंजॉय द चिरपिंग बर्ड्स, जैसे हम लोग बर्ड्स की चहचहाहट उसकी, एंड गर्डरिंग द स्टेम और झड़ने की गरगर आवाज़ आना, एंड मर्मरिंग द ऑफ द ट्रीज और ट्रीज की छनछनाहट की आवाज़, द साउंड सच एज द शाउटिंग इन द क्लास, और हमारे जो क्लास में साउंड आता है जो इतना तेज नॉइस आता है उसकी, और हॉर्न रेगुलर बजने की आवाज़ कंटिन्यूस आती है, हॉर्न की आवाज़, टॉक इन द फिशर मार्केट और फिशर मार्केट की टॉकिंग आर द नॉइसेस, ये सब आवाज़ हमें ईयर पहचान करवाता है। ईयर कैनल एंड ईयर ड्रम आर द पार्ट्स ऑफ द ईयर, ईयर कैनल और ईयर ड्रम एक प्रकार ऑर्गन है जो हमारे ईयर का पार्ट है। अब हम नोज के बारे में पढ़ेंगे। द नोज हेल्प अस टू ब्रेथ एंड स्मेल, नोज हमारे ब्रेथ सांस लेने की और स्मेल लेने की क्षमता रखता है। वी कैन आइडेंटिफाई, वो हमें आइडेंटिफाई कराता है, पहचान करवाता है प्रेजेंट एंड अनप्रेजेंट स्मेल की, सुगंध कैसी अच्छी है या गंदी है। विद द हेल्प ऑफ द नोज, ये नोज की सहायता से होता है। द सेल्स ऑफ द पिकअप स्मेल, जो हमारे नोज में जो सेल्स हैं जो काम करते हैं, आर द गार्ड ऑफ ऑल फैक्ट्री, उस वो एक प्रकार का ऑर्गन है जो नर्व सेल है, उसे नर्व सेल्स कहते हैं। अब टंग के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। टंग, द टंग हेल्प अस टू ईट द टेस्ट ऑफ फूड, टंग हमारा क्या काम करता है, टेस्ट को बताता है, हमारे फूड का स्वाद बताता है। देयर आर टेस्ट बड्स प्रेजेंट ऑन द टंग,
हमारे जो जीभ में जो बड्स हैं, जो उसकी स्वाद को जो बताता है टंग, बर्ड्स आर कैन रिकॉग्नाइज, वो हमें पहचान करवाता है डिफरेंट टेस्ट, अलग अलग प्रकार के टेस्ट का। सच द सॉल्टी, जैसे कि सॉल्टी है, नमक है, सॉर, खट्टा है या बिटर, कड़वा है या फिर मीठा है। अब हम आगे पढ़ेंगे स्किन के बारे में कि स्किन हमारे क्या काम करती है, हमें कैसा एहसास करवाती है। द स्किन कवर द होल बॉडी, हमारी जो बॉडी है पूरी स्किन से कवर है। विद द हेल्प ऑफ स्किन वी कैन फील द सेंस ऑफ टच, हमें स्किन से पता लगता है कि हमें कैसा फील हो रहा है, कोई हमें छू रहा है या हमें टच कर रहा है। वी फील हॉट कॉल्ड, और हमें ठंडे का, गर्म का, रफ एंड स्मूथ कि ये कैसा है, खुरदरा है या स्मूथ है या चिकना है। विद द हेल्प ऑफ स्किन, स्किन से हमें पता लगता है। द कलर ऑफ द स्किन नोन एज कॉम्प्लेक्शन, हमारे जो स्किन का कलर है, उस कलर है उसको कॉम्प्लेक्शन कहते हैं। पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो कुछ लोग हैं पूरे वर्ल्ड के, हैव गॉट द स्किन, उनको जो स्किन मिली है ऑफ द डिफरेंट कलर्स, वो डिफरेंट कलर्स की है, लाइक वाइट, ब्राउन, ब्लैक एंड येलो। जैसे वाइट है, ब्राउन भूरा है, ब्लैक बिल्कुल काला है या हल्का सा येल्लो। ओके, थैंक यू।